सबसे पहले बात करेंगे बस्ती की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र की स्कूल में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि केमिकल सूंघने से हुई है छात्र की मौत। स्कूल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार कर दिया है। स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि पहले से बीमार था छात्र। डीआईओएस और स्कूल प्रशासन जिला अस्पताल में मौजूद है। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के गन्ना विकास इंटर कॉलेज का ये मामला है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्र की स्कूल में मौत हो गई है। परिजनों का यह कहना है कि केमिकल सूंघने से हुई है छात्र की मौत। एक्सक्लूसिवली बस्ती से संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र की स्कूल में मौत हो गई है। आपको बता दें, जो भी आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं वो उनसे इनकार कर रहा है स्कूल प्रशासन। स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि तमाम आरोप निराधार हैं, तो वहीं परिजनों का सीधा ये आरोप है कि दरअसल केमिकल सूंघने से छात्र की मौत हुई है। और अब बात इटावा की। जिला अस्पताल में मानवता शर्मसार हो गई। प्रसव कक्ष से आवारा कुत्ते उठा ले गए नवजात। आवारा कुत्तों ने नवजात को अपना निवाला बनाया। घटना की सूचना पर जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। सीएमएस ने नवजात को अपने कब्जे में लेकर पुलिस को इस बात की सूचना दी। जिला अस्पताल के अधिकारियों ने नवजात को बाहर का बताया है। एक्सक्लूसिवली इटावा से, जहां पर आलम यह था अस्पताल का कि प्रसव कक्ष से ही आवारा कुत्ते एक नवजात को यहां से उठाकर ले गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल के अधिकारियों ने नवजात को बाहर का बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन इस घटना की सूचना पर हड़कंप मच गया है। सीएमएस ने नवजात को अपने कब्जे में लेकर पुलिस को सूचना दी। तो आवारा कुत्तों ने नवजात को बनाने वाला अब लीपापोती में जुटा है अस्पताल प्रशासन। लेकिन यह घोर लापरवाही जिला अस्पताल की सामने आई है, जहां प्रसव कक्ष से आवारा कुत्ते नवजात को उठाकर ले गए और अपना निवाला बना लिया। उधर सहारनपुर देवबंद में पूर्व विधायक माविया अली का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जिनकी कोई संतान नहीं, वो संतान का सुख दुख क्या समझेंगे। जानवरों के नाम पर बनी सरकार जनता का दुख नहीं समझेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश का नेतृत्व करने वाले की कोई बेटी नहीं, ये दुर्भाग्य है। प्रदेश का नेतृत्व करने वाले की भी कोई संतान नहीं है। जिनकी कोई संतान नहीं, वो दुख दर्द कैसे समझ सकता है। विधवा के घर में एक लड़की होती है कुंवारी बैठी हुई, तो उसकी शादी किस तरह होगी, इससे इनका लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि ये सब लोग जो है इस चीज से परिचित ही नहीं है कि केंद्र का नेतृत्व जो कर रहा है उनकी भी बेटी नहीं है, और जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है उनकी भी बेटी नहीं है। ये औलाद के सुख को नहीं जानते, ना ही इन बात का पता है। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को, अपनी विचारधारा को, अपने झूठे झूठे घोंसले हैं उनको थोपना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के और भारत के लोगों पे। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये जानवरों के नाम पे बनी हुई सरकार किसी लड़की के बारे में कहां सोच। उधर कानपुर में बदमाशों के आगे बेदम सीओ की हैकड़ी देखिए। निकम्मापन छिपाने के लिए पत्रकारों पर उतार रहे खींच। आपको बता दें, कानपुर क्राइम से करा रहा सीओ जनार्दन दुबे न जाने कहां दुबके हैं। सीओ जनार्दन दुबे की दो टूक, किसी घटना की जानकारी नहीं, किसी घटना पर जवाब नहीं दूंगा, जो पूछना है थाने में पूछो, ना कुछ कहना है ना करना है। तो सीओ की कुर्सी मिली क्यों है? क्या जनार्दन दुबे को पत्रकारों को धमकाने के लिए तनख्वाह मिल रही है? ये सवाल उठता है। ऐसे बदजुबान पुलिस अफसर कैसे निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी? गोविंद नगर इलाके में हो रही ताबड़तोड़ वारदातें, जनार्दन दुबे हैं गोविंद नगर इलाके के सीओ। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में ताबड़तोड़ वारदातें हो रही हैं और सीओ जनार्दन दुबे बेतु का बयान दे रहे हैं। गोविंद नगर सीओ का कहना है कि उन्हें घटनाओं की जानकारी नहीं है और ना ही वो किसी घटना पर जवाब देंगे। सीओ का कहना है कि जानकारी चाहिए तो थाने में जाकर लो। मुझे जानकारी नहीं है। आपके क्षेत्र में कई लोगों की घटनाएं हो रही है, आपको जानकारी नहीं? सर्किल है आपका, आपको जानकारी नहीं लूट की घटना हो गई है? लूट की तो नहीं है, अभी तो नहीं है। नहीं है भाई, लूट की कोई जानकारी नहीं? नहीं है। फिर वही बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं है इसकी मुझे अभी तक जानकारी। आपकी जिम्मेदारी है भैया कि नहीं है, उसका निर्धारण आपके द्वारा होगा। अरे तो हमको नहीं, नहीं आपके द्वारा होगा, मैं बाध्य नहीं हूँ बताने के लिए। बात नहीं है आप बताने के लिए? आपके सर्किल में लूट होती है, आपको जानकारी नहीं, आप मीडिया से बात नहीं है? नहीं है। आप घटना क्यों छुपा रहे हैं? हम क्यों पूछे भाई, हम क्यों छुपा है? लूट हुई है भैया, दिन दहाड़े लूट हुई तो थाने हुई है, थाने वाले बताएं। लूट की कोई जानकारी नहीं है?
फिर वही बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं है इसकी मुझे अभी तक जानकारी। जिम्मेदारी है भैया कि नहीं है, उसका निर्धारण आपके द्वारा होगा। अरे तो हमको नहीं, नहीं आपके द्वारा होगा, खबर बना के आए हैं। नहीं आपके द्वारा होगा इसका निर्धारण, बात नहीं हम फिर आपसे बाइट मांग रहे हैं। हेलो हम बता रहे, हमारे पास कोई जानकारी अभी नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे। पूछ के बात करके बता दीजिए, मैं बाध्य नहीं हूँ बताने के लिए। बात नहीं आप बताने के लिए, आपके सर्किल में लूट होती है आपको जानकारी नहीं, आप मीडिया से बात नहीं, बात नहीं। हम क्यों पूछे भाई, हम क्यों छुपाए? लूट हुई है भैया, दिन दहाड़े लूट हुई तो थाने में हुई है, थाने वाले बताएं। तो सुना आपने सीओ साहब को, अगर ये हैकरी बदमाशों को दिखाते तो ताबड़तोड़ वारदातें नहीं होती। चलिए बढ़ते आगे। उधर उन्नाव के युवक की दिल्ली में बेरहमी से पिटाई, ठेकेदार ने निर्वस्त्र कर युवक पर बरसाए बेल्ट, युवक के पिता को व्हाट्सएप पर भेजा पिटाई का ये वीडियो। घटना के बाद से पीड़ित युवक लापता है, पिता ने जताई बेटे की हत्या की आशंका। युवक को मजदूरी के लिए दिल्ली ले गया था हरदोई का ठेकेदार, पिता ने तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। चोरी करी कि नहीं? मरते आगे। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। परिवहन विभाग अब दग्गामार बसों का संचालन रोकने के लिए बड़े कदम उठाने जा रहा है। परिवहन विभाग प्रदेश के 10 नेशनल रूट पर चलने वाले दग्गामार बसों का संचालन पूरी तरह से रोकने जा रहा है। परिवहन निगम को दग्गामार बसों के संचालन से नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ दग्गामार बसों ने भी लाल पीला रंग चढ़ा लिया है, जिसकी वजह से पहचान में परेशानी हो रही है। कई बार यात्री रोडवेज की बस समझकर दग्गामार बस में चढ़ जाते हैं। इसके खिलाफ आरटीओ और एआरटीओ मिलकर अभियान चलाएंगे। जहां तक अनऑथराइज ऑपरेशन का मैटर है, कलर में भी मिल सकती हैं आपको बसें, और अपने भी कलर में मिल सकती हैं। कुछ बसों में वॉल्वो भी लिखा होगा, तो ये मिक्स्ड है जो अनऑथराइज ऑपरेशन चलता है। परिवहन निगम के पास चेकिंग की पावर तो नहीं है, लेकिन समय समय पर शासन द्वारा निर्देश गए हैं कि हम संबंधित हमारे जो रीजनल मैनेजर हैं, एआरएम हैं, संबंधित एआरटीओ आरटीओ से ज्वाइंट चेकिंग कराएं। एनडीपीसी हादसे का सबसे नया वीडियो एक्सक्लूसिव, 32 जिंदगियां लेने वाला मौत का ज्वालामुखी लाइव। जी हां, प्लांट में राख के गुब्बार के साथ शोले दिखाई दिए। समाचार प्लस पर देखिए बॉयलर कैसे बना बम। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बॉयलर कैसे बना बम एक्सक्लूसिवली। ये नया वीडियो है एनटीपीसी ब्लास्ट मामले का। एनटीपीसी में जो बॉयलर फटा, किस तरीके से बॉयलर बम बन गया, किस तरीके से राख के गुब्बार के साथ शोले निकले, वो हम एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। एनटीपीसी प्लांट ऊंचाहार, जी हां, जहां पर ब्लास्ट के बाद 32 लोग इस ब्लास्ट के चलते मारे गए, सैकड़ों से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, झुलसे हैं इस ब्लास्ट के बीच। किस तरीके से ब्लास्ट हुआ था वो खौफनाक मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट का राख के साथ शोले कैसे निकले, कैसे बॉयलर बना बॉम्ब एक्सक्लूसिव। और इस बीच एनटीपीसी हादसे में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा, मौत के धमाके में मरने वालों की तादाद पहुंची 32। मरने वालों में एनटीपीसी का एक अधिकारी भी शामिल है। प्लांट के अंदर की स्थिति सामान्य करने में जुटा है एनटीपीसी। 6 में से 4 प्लांट चल रहे हैं और बिजली उत्पादन हो रहा है।
एनटीपीसी ऊंचाहार इकाई के बाहर गेट पर बढ़ी चौकसी। गेट पर सीआईएसएफ और भारी पुलिस बल तैनात है। बाहरी व्यक्तियों के साथ साथ मीडिया की एंट्री को भी बैन कर दिया गया है। प्लांट, आवासीय परिसर और अस्पताल तक जाने की इजाजत नहीं है। अपने काले कारनामे छुपाने के लिए मीडिया की एंट्री को बैन किया गया है, क्योंकि कल तक जो बातें चीख चीख कर एनटीपीसी में काम करने वाले लोग कह रहे थे, कहीं उस बात को तस्वीरों के जरिए सार्वजनिक ना किया जाए, इसलिए बैन लगाया गया है। मीडिया पर बैन लगा दिया गया है, मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। ये बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एनटीपीसी के बाहर किस तरीके से चौकसी बढ़ा दी गई है और बाहरी व्यक्तियों को और मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ऊंचाहार के एनटीपीसी प्लांट में हुए हादसे में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है और इस हादसे में तकरीबन 100 के आसपास लोग घायल हुए हैं। हालांकि अब अगर बात करें एनटीपीसी प्लांट की, तो यहां पर स्थिति सामान्य हो चली है और चूंकि 6 यहां पर प्लांट हैं, जिनमें से 4 को चलाया जा रहा है, जहां पर बिजली का उत्पादन हो रहा है। लेकिन इस हादसे के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है और जिन लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, अब उनके परिवार वालों का क्या होगा। अगर बात करें इस पूरे हादसे को लेकर, तो जो पीड़ित परिवार हैं उनका सीधा आरोप एनटीपीसी प्रशासन के ऊपर है कि लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, तो वैसे में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एनटीपीसी ही इस पूरे मामले की जांच करेगी, जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो यहां पर काम करने वाले लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनका भी यही कहना है कि जांच चूंकि एनटीपीसी के लोग ही करेंगे, तो वैसे में जांच कितनी सत्य होगी और जो जांच की दिशा होगी वो क्या होगी, उसको लेकर भी लोगों के मन में शंका है। हालांकि इस घटना के बाद और इस हादसे में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को एनटीपीसी की तरफ से 20 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अगर समय रहते चेता गया होता, समय रहते जो एनटीपीसी के बड़े अधिकारी हैं तकनीकी खामियों को दूर कर लिए होते, तो आज कई परिवार उजड़ने से बच गए होते। कैमरामैन मानस के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, ऊंचाहार। उधर एनटीपीसी हादसे पर पहुंचे स्वात टीम प्रभारी का सेल्फी प्रेम। जी हां, टीम प्रभारी आशीष द्विवेदी और टीम के सिपाही सेल्फी लेते नजर आए। मदद कम, सेल्फी लेने में ज्यादा व्यस्त दिखी स्वात टीम। सोशल मीडिया में सेल्फी लेने के बाद पोस्ट की फोटोज पोस्ट होने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल पोस्ट की गई है सोशल मीडिया पर स्वात टीम प्रभारी और स्वात टीम के जो बाकी सदस्य हैं वो सेल्फी लेने में व्यस्त दिखाई दिए, यानी मदद कम, सेल्फी ज्यादा। टीम प्रभारी आशीष द्विवेदी और टीम के सिपाही लेते दिखे सेल्फी एक्सक्लूसिवली। एनटीपीसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मदद कम, सेल्फी लेने में ज्यादा व्यस्त दिखी स्वात टीम। स्वात टीम पहुंची थी यहां पर, लेकिन मदद तो कहीं की नहीं, सबसे पहले ली सेल्फी और वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। रायबरेली में मृतकों के परिजनों की तलाश कब पूरी होगी? शवों को खोजने के लिए आज भी रायबरेली में अफरा तफरी। मृतकों के परिजनों को खून के आंसू रुला रहा एनटीपीसी। पहले 32 लोगों की कब्रें खोदी, अब शवों का नहीं बता रहा है पता। अपनों की लाशों के लिए कल से भटक रहे हैं परिजन, यहां से वहां भटकते परिजनों को अपनों की लाशें नहीं मिल रही है। अपनों के आखिरी दर्शन के लिए भी तड़प रहे हैं परिजन। रायबरेली से लेकर लखनऊ तक खाक छान चुके हैं गुस्साए ग्रामीण, कर सकते हैं एनटीपीसी का घेरा। तो जाहिर तौर पर ये दोहरी मार उन परिजनों पर जिनके अपने इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन वो जिंदा हैं भी या नहीं, इस बात की भी जानकारी एनटीपीसी की तरफ से नहीं दी जा रही है। इधर से उधर चक्कर काट कर थक चुके हैं परिजन, लेकिन अपनों के शवों को अभी तक नहीं तलाश पाए हैं। मृतकों के परिजनों को खून के आंसू रुला रहा है एनटीपीसी। पहले 32 लोगों की कब्र खोद डाली, अब शवों का पता नहीं बता रहा है। अपनों की लाशों के लिए कल से भटक रहे हैं परिजन, यहां से वहां भटकते परिजनों को अपनों की लाशें नहीं मिल रही है।
सोनभद्र में बिजली का बिल जमा ना कर पाने की वजह से एक शख्स ने आत्महत्या कर ली है। मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के वार्ड नंबर 7 का है। परिजनों का आरोप है कि बिल जमा करने के लिए बिजली विभाग लगातार दबाव बना रहा था, जिसके चलते शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शख्स पर 11 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया था। विद्युत विभाग ने दबाव के आरोपों से इनकार किया है। हालांकि एक्सीए ने मामले में जांच कराने की बात कही है। आगरा में एक तरफ ताजमहल को सियासत का रंग देकर जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक मदरसे में गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाया जा रहा है। शाहगंज क्षेत्र के दौरेठा इलाके में मौजूद मोइनुल इस्लाम मदरसे में हिंदू और मुस्लिम छात्रों को संस्कृत और उर्दू दोनों की तालीम दी जा रही है। मदरसे में बच्चों को गीता के श्लोक और कुरान की आयतें भी पढ़ाई जाती हैं। इस मदरसे में करीब 400 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से करीब 125 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। नहीं देखिए, असल में ऐसा है कि हमारी कोशिश ये है कि मदारिस में जिन तालीम का इंतजाम है, जैसे हदीस का, कुरान का, फिक्र का, मसाइल का, साथ ही साथ में दुनियावी तालीम की इसलिए ज़रूरत है कि इसके ज़रिए आदमी रोज़ी कमा सकता है, दुनिया में तरक्यात हासिल कर सकता है। लिहाजा दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम की ज़रूरत है, जिसके तहत हमने इसको शुरू कर रखा है। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह आपने खुद देखा होगा, और अच्छी खासी तादाद में हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे एक साथ हैं। किसी किस्म का इनको कोई न तो तकलीफ़ है, न भेद है, न भाव है। यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ तालीम के लिए बच्चे आते हैं, वो सिर्फ तालिबे इल्म होते हैं। कौशाम्बी में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद एक्शन में आई कौशाम्बी पुलिस। बीजेपी एमएलए को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। सैनी कोतवाली पुलिस ने धमकीबाज को गिरफ्तार कर लिया है। अमन पांडे बताया जा रहा है धमकीबाज युवक का नाम। गुरुवार को विधायक के बेटे के फोन पर दी थी धमकी। एमएलए शीतला को दी थी खानदान खत्म करने की धमकी। सिरातू से बीजेपी विधायक है शीतला प्रसाद पटेल। और आइए अब आपको दिखाते हैं मेरठ में क्लिनिक में चोरी लाइव। जी हां, डॉक्टर अनिल कुमार की क्लिनिक में चोरी, और चोरी की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरीके से चोर ने हाथ साफ किया, एक बैटरी, एक एलईडी और कैश पर किया हाथ साफ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ये वारदात थाना मवाना क्षेत्र में छोटा मवा में अंजाम दी गई है। एक्सक्लूसिवली आपके सामने वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें सामने आई है चोर की करतूत, किस तरीके से हाथ साफ करते हुए क्लिनिक के अंदर, डॉक्टर की क्लिनिक में हाथ साफ किया चोर ने, क्लिनिक में चोरी लाई। उधर आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्कूल बस पलट गई। टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस। हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा छात्र जख्मी हुए हैं। एक शख्स की मौत हो गई है। कई बच्चों की हालत बताई जा रही है। आगरा के एसएन अस्पताल में भर्ती है। स्कूल बस में सवार थे 50 से ज्यादा छात्र। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से ताज देखने आ रहे थे बच्चे। एतमादपुर थाना क्षेत्र के चौहान गांव की ये घटना है। आगरा हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर बस हादसे पर दुख जताया। घायल बच्चों के इलाज के लिए हर संभव मदद के निर्देश दिए। सीएम योगी ने डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए। तो घायल बच्चों के इलाज के लिए हर संभव मदद के निर्देश सीएम योगी की तरफ से उन्होंने ट्वीट किया और इस हादसे पर जताया दुख। उधर वाराणसी में कमल हसन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हिंदुओं को आतंकी कहने के आरोप में दर्ज हुआ है ये केस। कल अदालत में होगी इस मामले की सुनवाई। तो आपको बता दें, कमल हसन से जब मीडिया ने सवाल किया तो कमल हसन ने यह कहा था कि मुझ पर कोई भी रंग चढ़ेगा, हर रंग चढ़ेगा, लेकिन भगवा नहीं। उधर शाम 7 बजे के बाद आएगी बीजेपी की लिस्ट। आपको बता दें, निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। लिस्ट फाइनल करने में बीजेपी उनके इस वक्तव्य से हमारी सामाजिक मर्यादा आहत हुई है और धर्मावलंबियों के मध्य में घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा हूं, इसलिए हमने उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। नहीं, हमारी धार्मिक अवधारणा है, हम तो पत्थर में भी ईश्वरीय तत्व की अवधारणा करते हैं, पूरी सृष्टि में हम ईश्वर को देखते हैं, और ऐसे धर्म को
जिसके सारे अनुष्ठान सर्वे भवंतु सुखिनः से समाप्त होते हैं, उनको इन्होंने आतंकवादी कहा कि इनके त्योहारों के माध्यम से समाज में डर और दहशत पैदा की जा रही है, हमारी प्रतिष्ठा आहत हुई है, करोड़ों हिंदुओं की प्रतिष्ठा आहत हुई है, इसलिए हमने मुकदमा दाखिल किया। ये हमने एसीजीएम 6 के न्यायालय में दाखिल किया हुआ है, 295, 298, 500, 511 भारतीय दंड संहिता के तहत दाखिल किया हुआ है एसीजीएम 6 के न्यायालय में, जिसमें कल सुनवाई होनी है। हमारी मांग है अधिकतम सजा इनको दी जाए और जो दांडिक व्यवस्था है उसके तहत 3 साल की सजा होगी। नहीं, कंप्लेंट है, हमने सीधे न्यायालय से मांग की है कि इनको तलब करके दंडित किया जाए। ये कंप्लेंट और मुकदमा एक ही चीज होती है, और कंप्लेंट जो होती है वो न्यायालय में सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है कि फला व्यक्ति ने ये अपराध किया है, इनको आप तलब करके दंडित करें। तो आपको बता दें, कमल हसन की तरफ से कहा गया था कि अब हिंदू कैंपों में भी जा घुसा है आतंकवाद, और इस बयान को लेकर मामला दर्ज कराया गया है कमल हसन के खिलाफ, जिस पर कल सुनवाई होगी। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि शाम 7 बजे के बाद आएगी बीजेपी की लिस्ट, निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। लिस्ट फाइनल करने में बीजेपी नेतृत्व के पसीने छूट रहे हैं, पश्चिमी यूपी के टिकटों में उलझी है बीजेपी। और अब बात सहारनपुर की, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर लगी रासू का, जिला प्रशासन ने चंद्रशेखर पर कार्रवाई की है। सहारनपुर हिंसा का आरोपी है चंद्रशेखर रावण। 2 दिन पहले चंद्रशेखर को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिला कारागार में जेल में बंद है आरोपी चंद्रशेखर। तो सहारनपुर हिंसा का आरोपी है चंद्रशेखर, 2 दिन पहले चंद्रशेखर को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी और अब भीम आर्मी चीफ पर रासुका लगा दिया गया है।